अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, पीके रियल एस्टेट गुरु के चैनल के एक और वीडियो के साथ आज मैं आया हूँ। आज जिस हाउसिंग स्कीम के बारे में हम इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे वो है सेंट्रल पार्क हाउसिंग स्कीम। फिरोजपुर रोड के ऊपर है, काफ़ी रिनाउंड हाउसिंग स्कीम है। तो आज हम इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स डिस्कस करेंगे, इसकी लोकेशन, सोसाइटी की करंट डेवलपमेंट, प्राइसेस, इन्वेस्टमेंट एंड घर बनाने के एंगल से फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स बोथ फॉर रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल। वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा आप मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज़ है जिसमें अप टू डेट रहना बहुत ज़रूरी है। एंड वीडियोज़ मैं कंटिन्यूसली डालता रहता हूँ। सब्सक्रिप्शन अगर आपकी होगी तो आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन आएगा कि नई वीडियो आई है किसी भी हाउसिंग स्कीम से रिलेटेड। सो आप यूट्यूब पे या मेरे फेसबुक चैनल दोनों में से किसी को भी सब्सक्राइब कर लें या दोनों को सब्सक्राइब करें। बाकी मेरा फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस आपके सामने है फॉर कॉन्टैक्टिंग मी। सेंट्रल पार्क हाउसिंग सोसाइटी जो है इसको लॉन्च हुए हुए काफ़ी साल हो चुके हुए हैं। इसकी हम थोड़ी लोकेशन से रिलेटेड पहले बात करते हैं। ये सेंट्रल पार्क हाउसिंग स्कीम लोकेटेड है कलबा चौक से तकरीबन 23 किलोमीटर्स के फासले के ऊपर ऑन फिरोजपुर रोड। यह बात हम सब जानते हैं कि अब फिरोजपुर रोड टोटली सिग्नल फ्री हो चुकी हुई है और यहाँ से कोई 8-9 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर रिंग रोड का भी इंटरचेंज है, जो कि फिरोजपुर रोड का रिंग रोड का इंटरचेंज है तकरीबन गजूमते के ऊपर। सो 10 किलोमीटर 11 किलोमीटर के मेरे ख्याल है डिस्टेंस के ऊपर वो अप्रॉक्सीमेटली है। मुझे एग्जैक्ट किलोमीटर्स में मैया मैंने नहीं किया हुआ, बट कलमा चौक जो है वो 23 किलोमीटर है। और अब ये सिग्नल फ्री होने की वजह से फिरोजपुर रोड एंड रिंग रोड का इधर इंटरचेंज बनने की वजह से फिरोजपुर रोड की एक्सेसिबिलिटी बहुत आसान हो चुकी हुई है। सो ये तो कुछ इसकी लोकेशन से रिलेटेड है। ये इसकी ऑल दो 1, 2 एंड 3 एंट्रेंसेस है। ये एंट्रेंस अभी बन रही है, इसकी मेन एंट्रेंस ये वाली है। ये मेन एंट्रेंस है जो कि सेंट्रल पार्क की अभी करंटली न्यूज़ है। इधर से आप एंटर हो, एक तो क्योंकि ये क्लोज सोसाइटी है तो सिक्योरिटी चेक है इनका यहाँ पे, तो उस हिसाब से इट्स अ सिक्योर सोसाइटी। सिक्योरिटी चेक के बगैर आप अंदर नहीं जा सकते। वंस यू एंटर तो इसके लेफ़्ट और राइट पे ये कमर्शियल है। फ्रंट के ऊपर 8 मरला कमर्शियल है एंड बैक के ऊपर 5 मरला कमर्शियल है। इनकी प्राइस रेंज और सारे डिटेल्स मैं भी आपके साथ आगे शेयर करूँगा। यहाँ पे कमर्शियल काफ़ी ऑक्यूपाइड है, आपके इधर बेसिक शॉप्स वगैरह हैं, ग्रॉसरी एंड और तरह की शॉप्स वगैरह हैं, कुछ स्टेट एजेंट्स के भी ऑफिसेज हैं। तो यहाँ पर कुछ कमर्शियल ऑक्यूपेंसी है। आप आगे आएँ तो ये मॉस्क कंस्ट्रक्ट हुई हुई है और सामने ये सेंट्रल पार्क है जो कि इनका बड़ा पार्क है। और अनफॉर्चुनेटली जो ये पार्क है इन्होंने इसमें 2 सेक्शंस बना दिए हैं अब, जिनको ये कमर्शियल डिक्लेयर कर चुके हैं। अभी ऑन ग्राउंड इन पे कमर्शियल एक्टिविटी नहीं हुई, बट मैप में इन्होंने यहाँ पे फ्रंट पे इतना एरिया एंड इस साइड पर इतना एरिया, इसको इन्होंने कमर्शियल कर दिया हुआ है। यहाँ पे अब ऑफिसेज बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं या कुछ और बनाते हैं या कोई फूड कोर्ट बनाते हैं, ये आगे पता चलेगा, बट दिस एरिया इज़ कमर्शियल। बाकी पार्क अभी इनका डेवलप हो चुका हुआ है और ये ऑन ग्राउंड आप जाएं तो ये पार्क एग्जिस्ट करता है यहाँ पे। और इन दो जगहों पे अब कमर्शियल एक्टिविटी कोई होगी जो कि आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा। यहाँ से अगर हम लेफ़्ट जाएँ तो ये सारा नॉन डेवलप्ड एरिया है। ये सब एरिया नॉन डेवलप्ड है, अभी इधर डेवलपमेंट इन्होंने स्टार्ट किए। ये इनका नया ब्लॉक है, ये सारा सी ब्लॉक, ई ब्लॉक, डी ब्लॉक जो कि इनकी एक्सटेंशन है, यहाँ पे अभी काम हो रहा है दिस होल एरिया। तो ये सारा अभी नॉन डेवलप्ड एरिया है। ये वाला एरिया डेवलप्ड एरिया अगर हम राइट पे हो जाए, जी ब्लॉक, ए ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, यहाँ पे घर बने हुए हैं, लोग रह रहे हैं, ऑक्यूपेंसी रेट काफ़ी अच्छा है कि आप अगर घर कल को बनाना चाहें तो आप बना के बड़े इजीली रह सकते हैं। रोड्स इनकी बड़ी हैं, जो मेन रोड्स हैं वो इनकी काफ़ी बड़ी रोड्स हैं, 100 फीट रोड्स हैं, 30 फीट रोड हैं। अंदर वाली सड़कें भी इनकी डिसेंट साइज़ की सड़कें हैं, 30 फीट रोड्स हैं। इसी रोड पर आप आगे हैं तो यहाँ पर एंड पे इन्होंने हॉस्पिटल एंड स्कूल एंड कॉलेज बनाया हुआ है। स्कूल LGS स्कूल है यहाँ पे, मेडिकल कॉलेज है यहाँ पे,
जो कि इधर एग्जिस्ट करता है, ऑपरेशनल है, इधर लोग बच्चे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, हॉस्पिटल एक्टिव है। थोड़ा आप आगे हैं तो ये कमर्शियल एरिया, यहाँ पे काफ़ी बड़ी मार्ट बनी हुई है, कैश एंड कैरी है यहाँ पे। सो ये वो एंट्रेंस है जो कि अभी बना रहे हैं, ये फिरोजपुर रोड से कनेक्ट हो जाएगी, तो आने वाले दिनों में ये रास्ता भी एक्टिव होगा। इसके साथ भी ये आठ मरला कमर्शियल है जो कि जिनकी प्राइसेस काफ़ी तेज़ी से चढ़ रही है। ये पिछले तकरीबन आप समझ लें 6 मंथ्स में कोई 30-40% इनकी प्राइसेस में इंक्रीज़ आया है। तो इनकी भी मैं करंट प्राइस रेंज आपके साथ शेयर करूँगा। अगर प्लॉट साइज़ वाइज देखा जाए तो इधर 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला, 1 केनाल एंड 2 केनाल रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। 8 मरले की बहुत थोड़ी कटिंग है, मोस्टली 10 मरला एंड 1 केनाल है और 5 मरला की कटिंग है, एंड कमर्शियल 8 मरला एंड थोड़े बहुत 4 मरला कमर्शियल है, बट मोस्टली इट्स 8 मरला। कुछ इनकी बेसिक अमेनिटीज़ की अगर बात की जाए तो अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ओवरहेड इलेक्ट्रिसिटी है, गैस की अवेलेबिलिटी है, वाटर बोर वाला नहीं है, प्रॉपर वाटर पाइपिंग हुई हुई है, सीवरेज सिस्टम है प्रॉपर, पार्क है, मॉस्क है, हॉस्पिटल है, स्कूल कॉलेज एंड सेक्टर मार्केट्स, ये सारी चीज़ें एक्टिव है। सो रहने के एंगल से अगर आप बात करें तो सोसाइटी के अंदर वो सारी अमेनिटीज़ अवेलेबल हैं कि जिनमें आप अगर सेंट्रल पार्क में कल को घर बना के रहना चाहें तो आपकी सब चीज़ों की अवेलेबिलिटी होगी। थोड़ा सा अगर हम इससे निकल के प्राइस रेंज की तरफ आएँ तो सेंट्रल पार्क की अभी जो करंटली प्राइस रेंज चल रही है, एक तो पोजेशन ब्लॉक्स हैं ए बी एफ एंड जी, एंड दूसरे हैं नॉन पोजेशन ब्लॉक्स विच आर सी डी एंड ई। जो ए बी एफ एंड जी हैं उधर 2 केनाल, 1 केनाल, 10 मरला और 5 मरला में जहाँ पे भी घर बने हुए लोग रह रहे हैं उधर की प्राइस रेंज आपके सामने है। 5 मरला 33 लाख्स, 10 मरला 50 लाख्स, 1 केनाल 75 लाख्स और 2 केनाल तकरीबन 1.5 करोड़ से शुरू होते हैं। जो नॉन पोजेशन है उधर 1 केनाल 55 से स्टार्ट हो रहे हैं एंड 10 मरला 30 से एंड 5 मरला 19 लाख से। कमर्शियल प्लॉट्स 8 मरला 190 लाख से स्टार्ट हो रहे हैं, जो आपको मैंने नया एरिया दिखाया जो कॉलेज स्कूल के पास है वहाँ पे अभी ये प्राइस रेंज है। जो डेवलप्ड है एरिया जहाँ पे मार्केट बन चुकी हुई है थोड़ी, वहाँ पे 3 करोड़ का भी रेट है। सिमिलरली 5 मरले का कोई 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ के आसपास रेट चल रहा है। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि LD अप्रूवल बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज़ होती है। LD अप्रूवल अभी सिर्फ ए एंड बी ब्लॉक का इन प्लेस है, ये जो दो ब्लॉक्स हैं इनका LD अप्रूवल इन प्लेस है, जो ब्लॉक जी एंड एफ है इनका इन प्रोसेस है और ये मिल जाएगा अप्रूवल। ऐसा नहीं है कि ये कोई अनसेफ सोसाइटी है, मैं कहूँ ये अप्रूवल नहीं मिलेगा, बट इन सब ब्लॉक्स का अप्रूवल इज़ इन प्रोसेस और ये मिल जाएगा, इसीलिए इनकी ट्रांसफ़र फ़ीस में थोड़ा सा फ़र्क है। जो ए एंड बी है उनकी ट्रांसफ़र फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है, GFD की एंड ENC की ट्रांसफर फीसेस थोड़ी कम है। सो दिस इज़ ऑल नॉन डेवलप्ड, ये पूरा एरिया। अभी जो इधर इन्वेस्टमेंट के एंगल से अगर आप बात करें तो जो नॉन डेवलप्ड एरिया है जिधर अभी डेवलपमेंट चल रही है, वुड सजेस्ट कि इधर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है जो कि अच्छा डिसेंट रिटर्न दे सकती है, वो ये एरिया। ये बिल्कुल शुरू का एरिया, और अगर आप ये देखें कि मेन रोड से आप जब एंटर हो यहाँ से फिरोजपुर रोड से, तो यहाँ पे लेफ़्ट टर्न करने के बाद ये सारा नॉन डेवलप्ड एरिया है। सो दिस एरिया इज़ वेरी हॉट, आई वुड रिकमेंड आपको इधर कोई बाइंग अगर आप कर सकें तो ये आपको फ्यूचर में अच्छा रिटर्न देगी। ऑल्दो अभी भी प्राइसेस ऊपर जा चुकी हैं, बट ये आने वाले दिनों में और इसमें गेन आएगा। राइट साइड पे डेवलपमेंट हो चुकी हुई है, बट नेचुरली जब यहाँ पे गेन आएगा तो इधर एक नेचुरल गेन आएगा और बेहतरी आएगी। इस किस्म की सोसाइटीज़ में देखें लोकेशन बहुत मैटर करती है। 5 मरला ये बिल्कुल एंड पे करके पीछे है, इधर भी अगर गुड लोकेशन पे आप इन्वेस्ट करें, पार्क के नज़दीक, फेसिंग पार्क, इस तरह की चीज़ें, तो इट विल बी अ गुड इन्वेस्टमेंट। सेंट्रल पार्क में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट सेफ है नो डाउट, बट मेरी सिर्फ एक रिकमेंडेशन है, बाउंड्रीज पे इन्वेस्ट मत करें। सस्ते प्लॉट्स मिल जाते हैं, उस वक्त इंसान को होता है कि अच्छा बाउंड्री के ऊपर ले लें, हमारा बजट कम है। आप बेशक 5 मरले का प्लॉट ले लें, बट बाय ऑन अ गुड लोकेशन। जिस वक्त प्राइस अप्रिसिएशन आएगी आपके प्लॉट में, सबसे पहले अप्रिशिएट करेगा, एंड सेकेंडली सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपके लिए सेलिंग ईजी है। मेन रोड्स के ऊपर आप लें, ये बड़ी रोड्स के ऊपर वैल्यू है, आपको मिलेंगे भी महंगे, कल को बेच भी आप महंगे सकते हैं, एंड आप क्विकली बेच सकते हैं। सो इसका एडवांटेज ये है। बाकी मैनेजमेंट जो है
मेरा ख्याल है थोड़ी सी एक्टिव है इनकी, दे कुड डू अ बेटर जॉब। ऑल्दो जैसे सोसाइटी के अंदर मैं नोटिस कर रहा था कि डायरेक्शंस के लिए बोर्ड्स नहीं लगे हुए कहीं पे भी, आपको किसी का घर ढूंढना है तो थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी आपको कि कहीं पे ब्लॉक नंबर्स और स्ट्रीट नंबर्स एंड हाउस नंबरिंग इन्होंने बोर्ड्स नहीं लगाए हुए। तो अगर सोसाइटी ये कर दे तो मेरा ख्याल है एक बड़ी अच्छी चीज़ हो, जो लोग प्लॉट्स ढूंढने या किसी को मिलने आए तो उनके लिए डायरेक्शंस ईजी हो। बाकी सारा कुछ सोसाइटी के अंदर अवेलेबल है, आपने घर बनाना हो इस बजट में आई गेस इट्स अ गुड लोकेशन, एक्सेसिबिलिटी भी है टू रेस्ट ऑफ लाहौर एंड कम्युनिटी की वजह से देखें प्राइस रेंज इंक्रीज होती है, प्राइसेस बेहतर होती हैं। ऑल्दो सेंट्रल पार्क में एक डिसेंट कम्युनिटी है, मोस्टली मैं कहूँगा मिडिल क्लास है जो कि सेंट्रल पार्क में इस वक्त एग्जिस्ट करती है। सो ऐसा कभी भी आने वाले दिनों में तो नहीं होगा कि आप कहें 2-3 साल में इधर की प्राइसेस करोड़ों में चली जाएंगी, बट एक स्टेडी इंक्रीज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं सोसाइटी की प्राइसेस में, बिकॉज एक स्टेबल सोसाइटी है और ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट करती है एंड यहाँ पे रेजिडेंशियल जो है वो लोग अपना स्टेटस बना चुके हुए हैं। सो आपके कोई और क्वेश्चंस हो तो डू लेट मी नो। सेंट्रल पार्क से रिलेटेड कुछ लोगों ने कहा था सेंट्रल पार्क के ऊपर इंफॉर्मेशन शेयर करें। कमर्शियल के एंगल से आई वुड सजेस्ट ऑल्दो रेट ज़रा ज़्यादा हो चुका हुआ है, 2 करोड़ का हो चुका हुआ है, बट ये वाला एरिया यहाँ पे जहाँ स्कूल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है इसके सामने वाला एरिया कमर्शियल का इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी एक्टिविटी होती है। सो ये वाला एरिया कमर्शियल के एंगल से आई वुड सजेस्ट अच्छी इन्वेस्टमेंट का है। ये वाला एरिया ऑलरेडी इंक्रीज़ हो चुका हुआ है, 3-3 करोड़ का कमर्शियल है, यहाँ पे रूम है। सो अगर आप कमर्शियल वाइज देखें तो दिस इज़ अ गुड ऑप्शन। सो एनी क्वेश्चंस डू लेट मी नो। आप चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें यूट्यूब के, एंड फ्यूचर वीडियोज़ के लिए कोई सजेशंस हो, कोई और सोसाइटी पे आप चाहें मैं वीडियो शेयर करूँ तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू डू दैट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।